इसी बीच लेते बड़ी खबर का, अजमेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्रा के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अजमेर का ये पूरा मामला, अजमेर के पीसागंज में छात्रा से छेड़खानी की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, छठवीं कक्षा की छात्रा से ये छेड़खानी हुई है। छठवीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। सूचना पर स्कूल में पुलिस की टीम पहुंची और राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, मामले में कड़ी पूछताछ भी कर रही है पुलिस। अजमेर का ये पूरा मामला है जहां पर छठी क्लास की छात्रा के साथ छेड़खानी की गई है। अजमेर के पिसांगना का ये पूरा मामला, छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ किया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम स्कूल पहुंची है, जहां पर बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है। राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मामले में कड़ी पूछताछ का सिलसिला जारी है, अजमेर का ये पूरा मामला। तो अजमेर के पिसांगन में छात्रा से छेड़खानी की गई, जहां पर छठी कक्षा की ये छात्रा बताई जा रही है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस की टीम स्कूल पहुंची है, जहां पर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस की टीम लगातार पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई को भी अंजाम देगी। राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला है, मामले में कड़ी पूछताछ लगातार जारी है। तो अजमेर का ये पूरा मामला, हालांकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिसांगन का ये पूरा मामला, जहाँ पर छठी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला है। सूचना मिलने पर स्कूल में पुलिस की टीम पहुंची और लगातार तमाम लोगों से स्कूल में पूछताछ भी की जा रही है। राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला। चाह रहा है हालांकि पुलिस की टीम लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। अजमेर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, छात्रा सिक्स क्लास की स्टूडेंट बताई जा रही है। अजमेर के पिसांगन में छात्रा से छेड़खानी की गई है, जहाँ छठवीं क्लास की छात्रा से छेड़खानी हुई है, सिक्स क्लास की छात्रा बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम स्कूल पहुंची है और राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला, जहां पर स्कूल में पुलिस की टीम लगातार तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई को भी अंजाम दी टीम जुटी। सहयोगी जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, सिक्स क्लास की छात्रा के साथ छेड़खानी का पूरा मामला सामने आया, हालांकि पुलिस की टीम भी स्कूल में पहुंच चुकी है, अब तक क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मामला अजमेर के पिसांगन क्षेत्र का है, जहाँ पर अभी कुछ देर पूर्व ही एक छात्रा ने अपने परिजनों को जो है शिकायत करी थी कि अध्यापक ने उसके साथ में छेड़खानी की हरकत की है। उसको लेकर के अभिभावक और कुछ जन समाज सेवी जो लोग हैं स्कूल पहुंचे हैं, जहाँ पे पुलिस को इस बारे में शिकायत दी है और पुलिस ने जो है छानबीन आरंभ कर दी है। जी जावेद, ऐसे में क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी गिरफ्तारी की पुलिस ने पुष्टि नहीं करी है, फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रधानाध्यापक और स्कूल का पूरा प्रशासन अभी मौके पर मौजूद है और इस बारे में जानकारी जुटा रहा है। सीसी फुटेज भी निकालने की पुलिस जो है पूरी तहकीकात कर रही है। फिलहाल अभी इस बारे में गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है, पूरी पुष्टि होने के बाद ही पुलिस इस बात में अपडेट देगी। जी ठीक जावेद, आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका। चलिए तो इसी बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पीलीबंगा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। आपको बता दें कि पीलीबंगा में कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुनिया का भव्य स्वागत किया और बीजेपी की जन आक्रोश सभा को करेंगे संबोधित। तो पीलीबंगा के दौरे पर सतीश पुनिया, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, ये तस्वीरें देखिए। पीलीबंगा पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। आपको बताते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुनिया का भव्य स्वागत किया और इसके साथ ही कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले सतीश पुनिया बीजेपी की जन आक्रोश सभा को आज संबोधित करेंगे। मंच पर कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप